तोमर पर भरोसा एक बार फिर से। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश चुनाव प्रबंधन अभियान समिति का नियोजक नियुक्त किया। 2008 और 2013 में तोमर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब पार्टी की प्रचंड जीत पार्टी ने हासिल की। संगठन में तोमर की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। उनकी इसी क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें चुनाव प्रबंध समिति की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ भी उनका बेहतर तालमेल है। राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए सत्ता में वापसी चुनौती भरी है, इसलिए अमित शाह स्वयं मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। हाल ही में भूपेंद्र यादव यहां के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी बनाए गए। अब चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर भाजपा चुनाव अभियान में न सिर्फ आगे रहना चाहती है बल्कि चुनाव जीतने में कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने जोर शोर से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। आज ही आला नेता भोपाल में जुटने वाले हैं, जिसमें तोमर के भी शामिल होने की संभावना है। राजपाल सिसोदिया जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, एक बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर जी को दी गई और वो इसलिए भी कि उनके चलते ही 2008-2013 के नतीजे भाजपा के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। एक बार फिर से पूरी बागडोर केंद्रीय नेतृत्व धीरे धीरे अपने पास लेता जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति है, उस समिति के संयोजक के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अति वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी की नियुक्ति आज हुई है। उनके नेतृत्व में और उनके वृद्ध संगठनात्मक अनुभव, कौशल और भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियां और हमारा जो संगठन तंत्र की मजबूत शक्ति है, उसके आधार पर विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर को प्राप्त करने कर 200 सीट पार करने का जो लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव है मध्य प्रदेश को लेकर। उनके नेतृत्व में पहले भी 2003-2008-2013 के चुनाव में हमने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोकर सरकार की नीतियों को ले जाकर और अपने कौशल से संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मध्य प्रदेश में उनका अभिनंदन करते हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त और जनकल्याणकारी सरकार फिर से बने। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के चुनाव प्रबंधन में उनके संयोजक में बने, ऐसा हम सब लोग बहुत प्रसन्नता है और प्रसन्नता के साथ साथ में उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। ठीक है, के मिश्रा जी, एक बार फिर से कमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंप दी गई है और जाहिर तौर पर पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व तो अपना पूरा दमखम लगा रहा है। के मिश्रा जी, जी जी सर, सवाल सुन पाए आप? जी, मैंने आपको शायद जानकारी होगी इसकी कि 13 तारीख को ही एक ट्वीट किया था और जिसमें सिर्फ 18 लोगों की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी इसमें मौजूद थे। शब्दशः लिखा था कि अमित शाह जी ने कहा है कि सत्ता और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा साहब की भाव भंगिमा बड़ी प्रफुल्लित थी, मगर जैसे ही उन्होंने कहा मगर अब इलेक्शन प्रबंधन का काम नरेंद्र सिंह जी तोमर देखेंगे, तो 3 लोगों के चेहरे मुरझा गए थे, जिसमें वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा के चेहरे पर विश्वास नहीं है, और जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही इन पर विश्वास नहीं है तो चुनाव परिणाम स्वाभाविक है कि इन पर जनता भी विश्वास क्यों करेगी। जब उनकी पार्टी विश्वास नहीं कर रही तो जनता के पास भी फ्रेंचाइजी थोड़ी इनको स्वीकार करने की। जी राजपाल जी, बहुत संक्षेप में कुछ कहना है इस पर? देखिए, जिस पार्टी के एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो वो इस प्रकार की बात करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में ये कल्चर है जिस बारे में बात कर रहे हैं आदरणीय के मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और इसके कार्यपद्धति और कार्यपद्धति के हिसाब से हम चलते हैं जी।
और उसी कार्य पद्धति के आधार पर, उसी वृद्ध संगठनात्मक अनुभव के आधार पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे बहुत कद्दावर नेता जिन्होंने कांग्रेस को कई बार चारों खाने चित्त किया है इस मध्य प्रदेश में, वो नेता फिर से हमारे बीच में आए हैं। हाँ। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए चुनाव प्रबंध समिति के। ठीक है ठीक है, के जी भी तो यही कह रहे थे ना कि अब फिर से वो आए हैं, यानी फिर से जो है एक बार विश्वास के साथ आना पड़ रहा है, तो विश्वास खोया क्यों, ये भी एक सवाल है। बहुत शुक्रिया राजपाल जी और बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी हमसे।